वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, आप देख रहे हैं गेट इंस्टॉल। मेरे भाई पिछली दो वीडियोस के अंदर हमने चर्चा कर ली होगी, यानी हाँ मेरी कार की सर्विस, उसी के साथ ही साथ कुछ अनबॉक्सिंग का सामान था जिसमें मैंने दिखाया था आपको कैसे ये सोनाक्स का सारा सामान मेरे पास आया, कहाँ से आया। भाई वैसे अगर नहीं बताओ, अब भी पहली बार ये वीडियो देख रही हो, ये वाली वीडियो पर व्यूज़ ज़्यादा आ गए हो तो भाई बता दूँ, ये मैंने वैभव वीबियानी कस्टम से मंगवाया था भाई। इनका कार्ड ये रहा, ठीक है भाई, इधर देख सकते हो आप, और इनका नंबर भी यहाँ पर आ रहा होगा, आकर देख सकते हो, इन पे कॉल कर सकते हो 9783516720। जयपुर जगतपुर में है भाई इनका, और सारे परफॉर्मेंस बॉडी किट, सारे के सारे पार्ट्स, कुछ भी अगर आपको चाहिए हो सब कुछ मिल जाएगा भाई। खैर, आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पर होने वाली है वो ये है, मेरे बहुत सारे भाई हैं, ठीक है, जिनको सर्विस के बारे में शायद उतनी नॉलेज नहीं थी कि एक बेसिक सर्विस आप खुद भी या कम पैसों में करा सकते हो। मुझे वो सर्विस की कॉस्ट पता है सिर्फ कितनी पड़ी, मतलब मैंने लास्ट वीडियो में नहीं बताया, हो सकता है आप में से कुछ लोग गुस्सा हुए हो, लेकिन वो सर्विस कॉस्ट मुझे बहुत ही कम पड़ी। और दूसरा, ये प्रोडक्ट्स मेरे बहुत अच्छे इस्तेमाल हो गए, मेरी कार का एयर फिल्टर वगैरह सब कुछ साफ सूफ चिकना चुपड़ा करके एकदम मज़ा आ गया मुझे, गाड़ी चलाने में जेन्युइनली अच्छा फील हो रहा है। और ये काम कराने के करीब एक हफ्ते बाद मैं आज ये वीडियो रिव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को। तो भाई आज की ये हमारी वीडियो होने वाली है, मतलब वो जो मेरा करीब करीब काम था ना, सिर्फ सर्विस का बात करूँ, अपने मन मुताबिक काम, बढ़िया ब्रेक व्रेक क्लीन सब कुछ हो गया मेरा, 800 रुपये सिर्फ लेबर दी मैंने। और बाहर जाते हैं बंदे लो मकैनिक, यहाँ वहाँ पता नहीं कहाँ वहाँ जाते हैं, दे के आते बढ़िया पैसा, यार वो टैक्स टूक्स लगाते, इससे बढ़िया अपने हिसाब का काम कराओ, जो मैंने सिखाया उस हिसाब से कर लो। और आज की वीडियो है मेरी DIY डिटेल को लेके। भाई पहले तो मेरी ये चीज़ क्या है पूछ रहे हो, ये बाल्टी है, ये मैंने ली थी जब मैं ट्रिप पर लद्दाख के जा रहा था। जी हाँ, इसी गाड़ी को मैं लद्दाख भी लेकर गया हूँ। आज इस गाड़ी को कर रहे हैं हम डिटेल, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें यहाँ यूज़ कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें नहीं कर सकते। जैसे डे टू डे यूज़ में हम 1, 2, 3 इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, अपनी कार में रख सकते हैं, बाहर भी यूज़ कर सकते हैं, बट जब बात आती है ढंग से डिटेल करने की, तब जैसे ये डिग्रीज़र है, इससे आपने पानी, इसे इस डिग्रीज़र को मारा और बाद में पानी मार दिया, छोटे मोटे में साफ़ हो जाता है। इस बार मैं प्रेशर वॉश करके देखना चाहता हूँ, लास्ट बार ही मैंने अपनी वैगनार के ऊपर करा था, बहुत दिन साफ़ सुथरी बढ़िया चल गई, बट क्योंकि मेरी गाड़ी ऊपर खड़ी रहती है, और इस बार ही मैंने सोचा है कि क्यों ना भाई पाइप वाइप रखे, बातचीत तुम्हारे भाई की कैडी वाली हो ही गई है, तो अभी अपन क्या करेंगे ना, कुछ दिनों में इसकी ना कवर्ड पार्किंग बनाने का मैं प्लान कर रहा हूँ यहीं पर। यहाँ बाकी भी पार्किंग्स हैं औरों की, बट यहाँ पर मुझे तो लगता है आधे लोग सुलगने वाले इस चीज़ से, क्योंकि मैं अकेला बंदा आऊँगा जो अपनी कार को कवर्ड पार्किंग में रखेगा। तो खैर जो भी है वो बाद की बात है, वो लेके जाएंगे, बनाएंगे उस पर सेपरेट वीडियो। हम आज शैम्पू करेंगे अपनी कार को, यानी फोम वॉश के बारे में बता दूँ, अलग अलग फोम वॉश यूज़ करें मैंने कई सारे, कार बाइक स्कूटी सब पे अलग अलग तरीके से अलग अलग ब्रांड ट्राई करें। अगर आपका फोम वॉशर अच्छा नहीं है ना, झाग अच्छा नहीं देगा, चाहे जितना मर्जी अच्छा आप टूल ले लो, जो मर्जी ले लो। दूसरा ये भाई प्लास्टिक डिटेलर, ये जो अपना ब्रिलियंट शाइन डिटेलर है, इससे कार के बॉडी पोर्शन, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, कभी बाहर क्लीन करवाई हो सर्विस सेंटर वाले भी कार के ऊपर चमका के कुछ नहीं देते प्रोटेक्शन के लिए, तो ये एज अ कोट काम करती है, सेरामिक कह लो या फिर कह लो प्रोटेक्शन की कोट एक प्रोवाइड करती है, जिससे आपकी कार का जो पेंट है वो डल नहीं पड़ता। सारी चीज़ों के प्राइस भाई वैभव भाई बताएंगे आपको, बाकी मैं साथ ही साथ बता ही रहा हूँ। इंटीरियर डिटेलर से क्या होता है भाई, अंदर की जैसे मेरे सीट्स है और छोटी मोटी चीज़ें वो हो जाती है साफ़ सुथरी, अब होलस्ट्री मेरी एकदम क्लीन है, उसकी ज़रूरत नहीं है, बाकी व्हील क्लीन करेंगे अपनी गाड़ी के और इंजन डिग्रीज करेंगे। तो भाई इन सारे सामान को फटाफट लेके चलता हूँ अपने घर के पास, लगा तो अपनी गाड़ी को और फिर मिलता हूँ आपसे। मीनवाइल अपन क्या करेंगे भाई, ये जो है ना मेरी ये चीज़ देख रहे हो बाल्टी, इसके अंदर ही पानी भरेंगे, आज इसको भी इस्तेमाल करके दिखा देंगे। और जब भी आप गाड़ी क्लीन कर रहे हो, साफ़ कर रहे हो, तो मेरे पास एक हैंड है जिसकी हेल्प से आप एरियाज़ को क्लीन कर सकते हो, ब्रश वगैरह सब है वो घर पर ही दिखाता हूँ, आ जाओ। मैंने अपनी ऑलरेडी जो दूसरी गाड़ी है इसमें इसको डिटेल करके चेक करा है, तो जाके आज मन करा क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बना लूँ। तो भाई ये इसका रिज़ल्ट था, और मैंने करीब करीब 1-1.5-2 हफ्ते पहले इसको बस यूं ही मार मोर के साफ़ किया था। मेरी गाड़ी इतनी गंदी हो रही थी ना, आप कभी नोटिस करते होगे, धूल उड़ती है सबसे ज़्यादा यहाँ लगती है, ये सारे इससे मैंने क्लीन करके देखे थे। मेरा ये पर्पल कलर ना देखने में है कि गंदा नहीं होता होगा ये वॉलेट कलर, बट ये बहुत गंदा होता है भाई, सीरियसली बताऊँ तो, मतलब इस पर धूल आपको नज़र आएगी। और ये इसके रिज़ल्ट थे, मैं रिज़ल्ट से बहुत हैप्पी था, तो सोचा क्यों ना आज भाई इसके ऊपर एक वीडियो बना ही दी जाए इसी बात पर। तो भाई आज क्या करेंगे, कुछ मेरे टूल्स हैं जो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा, जैसे कि वैक्यूम क्लीनर, जैसे कि प्रेशर वॉशर, वो सब मैं लिंक दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मेरे पास अपने हैं, यहाँ नहीं है, मेरे घर पर है, तो अपनी कार को हम लेके जाएंगे। सिंस आई केम फ्रॉम लद्दाख, मैंने इस कार को एक बार भी नहीं धोया, इनफैक्ट अभी ब्रेक व्रेक की सर्विस हुई थी, बस यहाँ पानी मरवाया था और कहीं खास साफ नहीं कराया। इनफैक्ट भाई ये देखो मेरे जो मैट्स हैं उनकी हालत देखो कितनी बुरी हो रही है, सीरियसली मैं आज इन्हें धोऊंगा, बहुत गंदे हो रहे हैं भाई, आपको शायद जस्टिस ना हो रहे हो, लेकिन भाई
मतलब गाड़ी अंदर बाहर से ना काफ़ी गंदी है, और आज इसे करेंगे बढ़िया ढंग से साफ। लेकर चलता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे, क्योंकि वहाँ पर ऐसी रोशनी आए ना है, क्या पता। उसी के साथ ही रूफ टॉप बॉक्स भी उतारूँगा और आपको दिखाऊँगा उतार के कैसा लगता है, कैसी हो जाती है, कैसे उतर जाता है, क्योंकि मुझे आज इसको भी साफ़ करना है, डिटेल भी करना है, क्योंकि रूफ टॉप बॉक्स के अंदर भी धूल मिट्टी तो घुसती है, थोड़ा बहुत गंदा होता है वो खोल बंद करने के चक्कर में, ऐसा कह लो। और इसकी भी मेंटेनेंस ज़रूरी है भाई, अदरवाइज़ ये पड़ जाएगा डल, ये पड़ जाएगा फेड। बट ये अगर इनकेस अगर आपको चाहिए हो, मिल जाएगा भाई, ये जेब में कम से कम 50,000 रुपये रखो, ये बार और ये टोकरा दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। सस्ते भी आते हैं, बट भाई आप भी जानते हो सस्ती चीज़ पता नहीं कितने दिन चले, आज चले या तो शाम तक चले, लेकिन खैर भाई मैं बड़ा सेटिस्फाई हूँ। इसको टाइम से साफ़ कर दो, बाकी अलग अलग शेड डिज़ाइन में भी आते हैं, जैसे मेरा मैट फिनिश के अंदर था, आज की तारीख में अगर मैं लूँगा तो मैं ग्लॉस फिनिश के अंदर ले लूँगा, ताकि वो जल्दी से ख़राब ना हो। मेरी कार ऑलरेडी कोल्ड स्टार्ट है भाई, लेके चल रहे इसको आ जाओ। और भाई जा ही रहे तो जाने से पहले एक बार ज़रा हालत देख लो मेरे इंजन की कैसी हो रही है। बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, बट बहुत ज़्यादा साफ भी नहीं है। इनफैक्ट मैंने पानी मरवाया था उसके बाद है। जब ये पूरा सर्विस हो जाएगा तो ज़रूर आपको इसका आफ्टर भी दिखाऊंगा सेम टाइम पर ही। तो भाई गाड़ी लाया घर पर कुछ दिन पहले, भाई मेरे सेकंड चैनल को फॉलो कर रहे होगे तो पता चलेगा, ये यहाँ पे ना तालाब बना हुआ था और यहाँ पे पूरी सीवर की पाइपलाइन डली है, बस मेरे घर से ही शुरू हुई थी। तुम्हारे भाई ने यहाँ पे एक पाइप डलवाया अलग से, कि गाड़ी जब धोऊं ना तो उसका पानी इसमें जान चाहिए। इसको खोलने जा रहे हो भाई ने ली, ये जाए भी आ गया अपनी, यहाँ रखो, आ रहा हूँ खोल तो दू पहले भाई। अब ये खोदने के बाद ये आ गया भाई, अपना पाइप खोल दिया भाई, तो कोई नहीं पानी जाएगा, थोड़ा खुल जाएगा, क्या हो गया। तो भाई ये है मेरा प्रेशर वॉशर, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू यूज फॉर दिस वर्क। सो पहले इसे सेट कर लूँ, वहाँ मेरा पावर कॉर्ड है, और इसका फायदा पता है क्या है, कम पानी में ही धो देता है ये। इसी के साथ ही भाई लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा मैंने किस तरीके से अपने एयर फिल्टर को अपनी कार से उतारा। सो इस बार ये अपन करने वाले कैनन का जो रेड जूस आता है उससे क्लीन, वो कुछ ऐसी होता है। तो ये होता है रेड जूस और ये होता है इसका क्लीनर, पावर क्लीन को मैं ऐसे पच मारना पड़ता है, इसमें मैंने डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, ऊपर देता हूँ। गंदा देखो कितना हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना एकदम क्लीन कर देगा। मोटे मोटे प्रोडक्ट थे जो मैंने यूज़ करे थे, जैसे पेट्रोल प्लस, ब्रेक फ्लूड, ये अपना ब्रैम्बू का ही है, ब्रैम्बू के ब्रेक पैड अपने पहले डल रहे थे, हमने चेंज करा लेते, ब्रेक क्लीनर, ऑयल जो हमारा कूलेंट है, ये अपना ऑयल यूज़ किया था ब्रडाल का ही, सारे मोस्टली प्रोडक्ट्स। चलो भाई ये आ गया अपना वैक्यूम क्लीनर भी, ये भी मैंने लिया था, जो मेरे सेकंड चैनल वाले भाई हैं उनको पता होगा, पहले से ही ले रखा है। अपन का सामान यहाँ आ गया, सामान यहाँ सेट हो गया, ये यहाँ आ गया। पहले मैं अपनी गाड़ी को ना रिंस करूंगा, रिंस का मतलब होता है उसमें इसकी हेल्प ली जाएगी, शैम्पू को जरा बोतल के अंदर भरा जाएगा, और शैम्पू बहुत चलने वाली चीज है, तो हम सिर्फ इसको 200-300 ml मिलाएंगे, बाकी पानी मिला देंगे इसके अंदर। भाई मुझे पता है कि क्या डेडिकेशन लगती है ऐसे वीडियोस बनाने में, बट स्टिल यार जो मज़ा, जो थ्रिल अपने खुद के DIY करने में आता है ना, ये चीज़ें मुझे DIY करने से रोकती हैं यार, और मैं फिर भी यार कहता हूँ कि चलो यार करूँगा ट्राई करूँगा, बट सपोर्ट इसमें ज़ीरो मिलता है मुझे ना, सीरियसली मैं लोगों का प्यार नहीं मिल पाता, पता नहीं क्यों, मैं जानता नहीं यार क्या है आप लोगों की साइकी, क्या आप लोगों को पसंद है, क्या मैं ऐसा करूँ जिसमें आप लोग को हाँ यार ये चीज़ तुम सही कर रहे हो, बस इस चीज़ को थोड़ा सा या तो ऐसे इन्हांस कर लो एक्सेट्रा। खैर पीछे की लाइटें बंद कर दूँ, अब मुझे करनी है पहले गाड़ी को रिंसिंग, उसके साथ ही इसके मैट उतारूँगा मैं, सारे उतार लूँ और पहले पानी मार लूँ इस पर, पावर ऑन है यहाँ से ऑन। साथ के साथ अपन एक आधे काम और कर लेते भाई, वैक्यूम क्लीनर से जरा इसकी अंदर से ड्राई वॉश कर देते हो, ये वेट वाला है इसीलिए लिया था मैंने भाई, फुल रगड़ घिसके गाड़ी साफ हो जाए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए कोई। भाई ये है बहुत ज़रूरी काम, एयर फिल्टर में चला जाएगा, बॉक्स में नहीं तो पानी।
ये नहीं दिखाऊंगा, ये नहीं दिखाऊंगा इसके अंदर इसकी रेसिपी नहीं बताओगे आप? तो भैया ने डाल लिया अपना सीक्रेट मसाला और अब कुछ इस तरह से देखो काम चल रहा है। One eternity later. तो मेरे भाई फाइनली अपनी कार ना हमने कल धो पोछ भी दी है और ये अगला दिन है भाई। देखो एक दिन बाद कैसी मेरी गाड़ी हो रही है वो कुछ आप देख लो। फिलहाल शीशे मेरी कार के 200% टिंट है। 200% टिंट का मतलब समझते हो क्या होता है? जेड के ऊपर भी जेड लगा रखी है। कैसी दिखा देता हूँ, इसकी जेड ब्लैक फिल्म उतार भी रहे हम साथ ही साथ ना। और एक चीज और है भाई, ये मेरी कार का जो एयर फिल्टर था केनन वाला ना, अब मैं फाइनली इसे सर्विस करके ले आया हूँ अपने घर से। जो किट थी केनन का जूस था वो सब डाल डूल के धो पोछ के रात भर सुखा के फिर लेकर आया हूँ। अब दिखना नहीं चाहिए ना यार, मैं तो ये चाह रहा हूँ कुछ दिखे। ऐसे दिखना पड़ेगा बिल्कुल, पहले जाना पड़ेगा फिर रुकना पड़ेगा फिर होल्ड करना पड़ेगा। अच्छा फोकस लगाना पड़ेगा, कुछ है अंदर। अनलॉक तो मैंने कर रखी है भाई, जरा देखो खोल के एक बार, जरा खोल दो दरवाजे। तो भाई जेड पे जेड का मतलब ये होता है कि भाई अंदर से भी कुछ नहीं नजर आएगा। देखो उसका रीजन ये है कि हमने चढ़ा रखी है इसके ऊपर अब एज ऑफ नाउ एक्सरे फिल्म कैसी होती दिखाता हूँ आपको। मतलब आपने ये जेड ब्लैक के कॉन्सेप्ट खूब सुने होंगे और मैं ये भी नहीं कहता कि ये एक्सरे का कॉन्सेप्ट मैं लेके आया हूँ, पहले से ही मार्केट में। देखो नीचे करूँगा तो ये नीचे जाएगी, साथ ही साथ ऊपर करूँगा तो इसके साथ ही ऊपर आएगी, ठीक है भाई। अब इसके अंदर सीन पता है क्या है, ये देखो जेड ब्लैक फिल्म ना ये है अलग से, इसके साथ लगी हुई ये रही एक और जेड बाय जेड इसको बोलते हैं, कुछ ऐसी दिखती है ये। तो भाई अभी अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैंने ये अपना केएनएन का जो एयर फिल्टर है इसको लगा रहा हूँ वापस, स्टॉप फिल्टर हटा के ECM, ताकि प्रॉपर रीडिंग ले ले। दो चार दिन से बेचारा जिल्लत की जिंदगी झेल रहा होगा। जितनी साफ मैंने पूरी रात दिन घिस के करी इसको, अंदर से पूरी की पूरी साफ है। अभी कुछ रहे हुए दो चार प्रोडक्ट है जो हमने इसके ऊपर यूज करने रह रहे हैं उनके बारे में बात कर लेता हूँ। पहले अपना एयर फिल्टर लगाता हूँ। जो अपनी बोनट लैच भी खराब हो रखी है तो इसे हमने बोनट को क्योंकि पूरा चेंज करवाना है, ये एक रीज़न है भाई। अभी मैंने बोनट की लैच भी नहीं चेंज करवाई है, मैंने पहले हाइड्रोलिक लगा रखे थे वो भी दोनों उतार दिए क्योंकि वो साइड से बोनट फिर बार बार ऊपर उड़ता रहता था, ऐसे दबेगा भाई। हाँ जे बात, तो भाई कल आपने मेरा देखा था इंजन बे कैसा हो रहा है, कैसे हो रहा है भाई? बस पैसा लगा रखा है इसलिए भारी हो रहा है ये, इसी चक्कर में तो यार टेढ़ा हो गया यहाँ से। वो हटा दिए ना, दोनों हटा दिए, हटा दिए दोनों हटा दिए, हाँ हाथ से पकड़ना पड़ेगा। तो भाई इसे एक मिनट ऐसे होल्ड कर ले, एक क्लिप होती है यहाँ पर ऐसी सेम ये वाली, वो गिर गई नीचे, कल तो गिरी थी दिख रही थी, अब देखते हैं नहीं है। चलो भाई एक बार जरा डाल के देखे, दिख तो गई मुझे, अभी भी पड़ी हुई है कल से, निकाल के देखे जरा अगर निकल जाए तो। निकल गई मिल गई, गाड़ी पीछे करेंगे हल्की सी आ जाएगी बाहर। भाई ये क्लिप आ गई फाइनली, रात को गुम हो गई थी बट कोई दिक्कत नहीं, साफ धो पोछ रखा है भाई, पूरा सर्विस कर रखा है, सब टचअप दे रखे हैं। ये गया फाइनली लद्दाख ट्रिप की सर्विस के बाद अंदर। इसमें गंदगी कितनी निकली थी? बहुत ज़्यादा भाई, बहुत गंदा था ये, पूरी लद्दाख वद्दाख की मिट्टी निकली थी भाई, सब पूरी लद्दाख की मिट्टी की खुशबू आ गई थी मुझे एकदम। ये स्टॉक फिल्टर अपना एज इट इज़ वापस घर जाएगा। और देखो भाई फिलहाल टायर्स देखो इसके कैसे हो रहे हैं, एक बार टायर ड्रेसर मार दूँ इसके ऊपर और फिर दिखाता हूँ टायर्स, इतनी सी चीज़ में कितने फर्क आ जाता है देखने में। भाई कौन से डीलर पे खड़ी करनी है? तू बिकवाने में लग रहा है भाई, तू बिकवाना चाह रहा है क्या भाई? टायर भाई ऐसे चमक रहे हैं ना डीलर वाले जो डीलर चमका के रखते हैं ऐसे टायर चमक रहे हैं, मजा आ गया भाई, पैसा बोलता है भाई। लाख रुपए के रेट बोलते हैं, लाख रुपए के रेट बोली लगवानी पड़ेगी पेमेंट्स को बेचने के लिए। टायर मैंने ड्रेस कर दिया, देखो कैसे लग रहे हैं अब पहले और अब के लुक्स के अंदर फर्क तो यूं ही पता चल रहा होगा आपको, सिर्फ इसी साइड से नहीं भाई कर रहे हैं तो दोनों साइड से कर रहे हैं देखो। और सिर्फ टायर ड्रेस करने के बाद ये जो मैंने इसके ऊपर अलॉय क्लीनर मारा था उसके बाद मेरे अलॉयज इतने साफ हो गए, मैं मतलब शब्दों में नहीं बयां कर सकता इसको, देखो कितने साफ हो गए।